प्रशासन से यही कहना चाहते भैया पानी दीजिए, नहीं तो फिर जो भी होगा फिर अच्छा नहीं होगा। और क्या, नल के पानी में टोटल नाली का पानी आ रहा है जिससे एकदम काला पानी, बदबूदार पानी। 6.5 करोड़ की योजना यहाँ आई थी, उसको पूरी तहस नहस कर दिया यहाँ के लोगों ने, खा गए बंदर बांट कर गए। पानी थोड़ी देर अच्छा आता है, उसके बाद बदबू वाला पानी आने लगता है, फिर वो भी बंद हो जाता है। जाता हूँ, फिसलन है, गिर जाता हूँ। मेरी मैडम गई, चोट लग गई उनको फिसलन में, दोबारा वो नाम नहीं ली। 2 बाल्टी पानी मिलता है, उसके बाद नल रुक रुक के आता है पानी, बूंद बूंद टपकता है। नगर परिषद के मुख्य मार्केट पे हम उपस्थित हैं और आपको बता दें कि यहाँ जगह जगह पर गड्ढे खोदे गए हैं। बताया जा रहा है कि जल व्यवस्था के लिए गड्ढे खोदे गए हैं और पिछले करीब 15 से 20 दिन पहले ये गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन अब तक इनको ढकने का काम नगर परिषद के द्वारा बिल्कुल नहीं किया गया है। इसी रोड के किनारे पर उपस्थित व्यवसायी से हम बातचीत करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और इनसे जानेंगे क्या समस्या है, क्या समस्या है आपकी यहाँ पर। बड़ी गंभीर समस्या है। पहले तो यहाँ मीठा पानी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, उसका पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। सबसे पहली अव्यवस्था तो ये है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया मगर नगर का कोई भी व्यक्ति इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाया आज तक, अभी तक, जबकि उसकी उद्घाटन भी करवा दिया गया है। और ये आप, हम अपने बगल में जो तो ये गड्ढा देख पा रहे हैं, ये किस लिए खोदा गया? हम लोग आज 1 महीने से पानी के लिए इतना ज्यादा परेशान है। पहले तो नल के पानी में टोटल नाली का पानी आ रहा है जिससे एकदम काला पानी, बदबूदार पानी, की जिसको हम ये मान के चले कि वो पानी, मतलब जो है, अगर कोई भी घर का प्राणी पी ले तो रोग से ग्रसित हो जाए। तो और पानी की व्यवस्था फिर कहाँ से होती? फिर हम लोगों ने यहाँ पे नगर पंचायत में, नगर परिषद में, यहाँ पे हम लोगों ने बोला, सुनवाई नहीं हुई। फिर 181 में कॉल किया, वहाँ से हमें आश्वासन दिया गया कि आपका 1 हफ्ते में निराकरण हो जाएगा। हाँ, अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे इस गड्ढे को थोड़ा सा ध्यान से दिखाएं कि किस तरीके से रोड से बिल्कुल किनारे एक गड्ढा है जो हादसों को आमंत्रित करता हुआ दिख रहा है। और इस टाइम पर पानी की क्या व्यवस्था, ये गड्ढा क्यों ढका नहीं गया, इस बारे में क्या जानकारी है? क्योंकि जल आपूर्ति हो नहीं पा रही है। श्रीमान जी बोले कि हम मीटिंग करेंगे 2 दिन पहले तो यहाँ पे वो आए नहीं। मीटिंग हुई या नहीं हुई, हम लोग टैंकर वगैरह की कोई टैंकर तो 1 दिन आया है आज, 20-25 दिन पहले, उसके बाद से कोई भी टैंकर यहाँ झांकने नहीं आया। मैं बाल बच्चों सहित डेली यहाँ पर, नदी है, जाता हूँ, फिसलन है, गिर जाता हूँ। मेरी मैडम गई, चोट लग गई उनको फिसलन में, दोबारा वो नाम नहीं ली। किसी तरह लोटा दो लोटा जो भी पानी मिल जाए अपना स्नान करती है, किसी तरह अपना जीविकोपार्जन करती है। बाल बच्चों को लेकर मैं स्वयं जाता हूँ कि ये दुर्दशा इस नगर में, कितना बड़ा टमस नदी, जबकि जलापूर्ति किसी भी तरह से, मतलब यहाँ रुकनी नहीं चाहिए, इतना पानी होना चाहिए कि पब्लिक पानी के लिए तो एकदम गुणगान करे कि हाँ, हमारे चाक घाट में जो टमस नदी है, ऐसी नदी धन्य भाग है हमारे कि हम लोग यहाँ पर पानी प्राप्त कर रहे हैं, मगर उसका उल्टा हो रहा है। पानी प्राप्त कर रहे को क्या कहे, पानी की बूंद टपकती है पानी के नाम पर। 2 बाल्टी पानी मिलता है, उसके बाद नल रुक रुक के आता है पानी, बूंद बूंद टपकता है। इस भरी गर्मी में सोचिए आप, कैसे मैं बच्चों का पाल पोषण कर रहा हूँ। 20 रुपए डिब्बा जो कि वो देता है पानी, 2-4 डिब्बा लेकर के अपना पीने की व्यवस्था करता हूँ। और जबकि नगर पंचायत को हर महीने की राशि जो जाती है, वो नल कनेक्शन लिया हूँ, वो राशि फ्री में चली जा रही है, उसका कोई लाभ मिल नहीं रहा। कब से समस्या देख पा रही? 2 महीने हो गए हैं, अभी हमने सुबह 4 बार पानी चलाया। केवल पानी आ रहा है, पानी थोड़ी देर अच्छा आता है, उसके बाद बदबू वाला पानी आने लगता है, फिर वो भी बंद हो जाता है। तो पीने के पानी के लिए कहाँ? पीने के पानी के लिए हम लोग आरओ का पानी ले रहे हैं, 2-3 बाल्टी लेते हैं डिब्बे वाला, उसी से खाना भी बनाते हैं, उसी को पीते हैं। और जब शिकायत आपने दर्ज कराई 181 में, तो उसके निवारण के लिए क्या? यहाँ पे गड्ढा खुदवाए हैं, बोले अब पानी आने लगेगा, यहाँ पे भी गड्ढे खुदे, वहाँ पे भी हुए, 1-2 दिन पीछे से वहाँ से पानी भी दे दिए, उसमें भी आता है, आधे घंटे आया और वहाँ के लोग जाके बंद करवा देते हैं। और आप पानी भी बराबर दुकान भी है, तो दुकान के सामने बिल्कुल गड्ढा है, ये भी व्यवधान पैदा हो रहा है। बहुत ज्यादा हो रहा है कष्ट, क्या करें, कह भी रहे हैं कि इसका निवारण निकालिए, कोई सुनने ही वाला नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे हैं, दिन भर डांटना पड़ता है, बच्चों का ध्यान देना पड़ता है। भाई बच्चे है, ये हमारा बच्चा है, ये भी इसको बार बार डांटना पड़ता है, बार बार आके खेलने लगते हैं यहीं पे। गाड़ी है, गाड़ी भी नहीं खड़ी हो पा रही, दूसरों को बाहर गाड़ी इधर उधर खड़ी करो,
उसके लिए भी हल्ला मचता है भाई। अपना इतना बड़ा द्वार होते हुए भी हमें दूसरे के द्वारे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती, अपना आ ही नहीं पा रही गाड़ी। क्या आज 20 दिन हो गया प्रशासन से, प्रशासन से यही कहना चाहते भैया पानी दीजिए, नहीं तो फिर जो भी होगा फिर अच्छा नहीं होगा और क्या भाई। नाराजगी बहुत बुरी तरह से है क्योंकि पानी बिना काम नहीं चल सकता, किसी का भी काम नहीं चल सकता, जल ही जीवन। और वो भी अब धीरे धीरे गर्मी आ रही भैया, कपड़े धुलने के लिए भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बताइए तीन तीन चार चार बाल्टी ऐसे कपड़े बदबू दे रहे हैं, कैसे धुले हम? अभी फिर चलाए सुबह से, चौथी बार चले, शायद अब पानी आ जाए। 6.5 करोड़ की योजना यहाँ आई थी, उसको पूरी तहस नहस कर दिया यहाँ के लोगों ने, खा गए बंदर बांट कर गए। ये बहुत तमाम समस्याएं हैं। काजी हाउस शब्द सरेआम कब्जा हो गया, बेच दिया गया। चौराहे में सुलभ कम्प्लेक्स होना चाहिए, इनका पहला मुद्दा था ये। जब पार्षद यहाँ मनोनीत पार्षद चुने गए तो पहला मुद्दा इन्होंने यही उठाया था कि चाकघाट चौराहे में सुलभ कॉम्प्लेक्स हो। तो अध्यक्ष द्वारा इन्हें यही कहा गया था, जो मैं अभी आपको चौराहे में बताया कि आपका चौराहे से कितनी दूर में घर है, क्या जरूरत है चौराहे में बाथरूम करने की, आप जाइए अपने घर में। भ्रष्टाचार बहुत है भैया, बहुत भ्रष्टाचार है। अरे सवाल तो ये उठता है, वार्ड नंबर 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पाइप लाइन ही नहीं बिछा है जी, आरओ का पानी कहाँ से मिलेगा? फिल्टर प्लांट चालू हो चुका है क्या? चलता है फिल्टर प्लांट चालू कर दिए विधायक और सांसद कर दिए। आप भी उपाध्यक्ष थे, आप भी, हमने विरोध किया, लिखित में दिया है, ना कुछ इन्होंने कोई कार्रवाई किया, उपाध्यक्ष विरोध किए हैं, लिखित में विरोध किए हैं, रिसीविंग है हमारे पास, इनके पास प्रमाण है उस विरोध का, रिसीविंग है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। जो मन में आएगा वो करेंगे हम।